आज के वीडियो में हम ई टेंडर महाराष्ट्र के लिए कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है ये सीखेंगे। ई टेंडर महाराष्ट्र के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया जाता है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का शॉर्टकट है उस पर एक राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो लिस्ट ऑप्शन की आती है उसमें मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे सर्च करना है ई टेंडर महाराष्ट्र। जो ऑप्शन सर्च करने के बाद आता है वो सबसे पहला ऑप्शन महा टेंडर्स का है। आप टेंडर्स पे क्लिक करके साइट को ओपन कर सकते हैं। महा टेंडर्स के ऊपर एक सिंगल क्लिक करके भी साइट को ओपन किया जा सकता है। इसी तरीके से URL पे सिंगल क्लिक करके भी साइट को ओपन किया जा सकता है। मैं टेंडर्स के ऊपर एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं इसे बंद करता हूँ। टास्क बार के ऊपर मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये लोगो है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो लिस्ट ओपन होती है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ। सर्च करना है टेंडर्स महाराष्ट्र। उसके बाद महा टेंडर्स के ऊपर एक सिंगल क्लिक करता हूँ, ये साइट ओपन हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को सर्च किए बगैर मैं एक सिंगल क्लिक पे या एक डबल क्लिक करके वेबसाइट ओपन करूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद जो लिस्ट ओपन होती है सबसे आखिर में प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट टैब सेलेक्ट रहता है उसे सेलेक्ट रहने दीजिए। एडवांस बटन पे क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर चेक लगा दीजिए। ओके बटन पे क्लिक कीजिए, अप्लाई, ओके। इसी तरीके से टास्क बार के ऊपर ये जो लोगो है उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। शॉर्टकट टैब डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, एडवांस पे क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ, ओके, अप्लाई, ओके। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो शॉर्टकट है उस पर डबल क्लिक करता हूँ, टेंडर्स महाराष्ट्र सर्च करता हूँ। और एक सिंगल क्लिक करके महा टेंडर्स की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। इस तरीके से आपके सामने ये साइट ओपन हो जाती है। मैं स्टार्ट बटन पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ। स्टार्ट मेनू से इंटरनेट एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करता हूँ। मोर पे कर्सर लाने के बाद तीन ऑप्शन आते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ। सर्च करना है ई टेंडर महाराष्ट्र या टेंडर महाराष्ट्र, एक सिंगल क्लिक करके साइट को ओपन करना है। इस तरीके से आपके सामने ये साइट ओपन हो जाती है। मैं सर्च बॉक्स में इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च करता हूँ, मेरे सामने तीन ऑप्शन आते हैं। लेफ्ट साइड में इंटरनेट एक्सप्लोरर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। उसके बाद सर्च करता हूँ टेंडर्स महाराष्ट्र। पहले ऑप्शन पे एक सिंगल क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करता हूँ। इस तरीके से साइट ओपन हो जाती है। सर्च बॉक्स में इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च करता हूँ, राइट हैंड साइड में इंटरनेट एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन करता हूँ। सर्च करना है टेंडर्स महाराष्ट्र या महा टेंडर्स और एक सिंगल क्लिक करके इस साइट को ओपन करना है। मैं इसे बंद करता हूँ।
सर्च बॉक्स में इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च करता हूँ, इस एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उस पर सिंगल क्लिक करता हूँ। ई टेंडर महाराष्ट्र सर्च करता हूँ, पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ये साइट ओपन हो जाती है। टास्क बार के ऊपर और डेस्कटॉप के शॉर्टकट पे मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की सेटिंग कर दी है, इसलिए अब मैं टास्क बार के ऊपर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो है उस पर सिंगल क्लिक करता हूँ। सर्च करता हूँ टेंडर्स महाराष्ट्र, यूआरएल पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि महाटेंडर्स की जो वेबसाइट है उसे किस ब्राउज़र में ओपन करना चाहिए। तो हम गूगल में भी इसे ओपन कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेंडर भरना है, टेंडर ओपन करना है, या टेंडर सबमिट करना है, या टेंडर पब्लिश करना है, तीन प्रोसीजर में से आपको कोई भी प्रोसीजर हो, सबमिशन की, फिलिंग की और ओपनिंग की, तो उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज़ करना है। क्रोम ब्राउज़र का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमें सिर्फ टेंडर डाउनलोड करना है, अगर टेंडर सबमिट करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, पब्लिश करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ओपनिंग करना है तो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम सिर्फ टेंडर को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही इस्तेमाल करें टेंडर को डाउनलोड करने के लिए भी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।